मुख्तफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं खसूस तौर पर हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स का अहमाम किया है स्टूडेंट्स के लिए उसके लिए टीचर्स को अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना होता है तो रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास जो बेसिक मेथड है वो दो आते हैं एक तो आप इंसार्ट में जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ इंसार्ट पे क्लिक करेंगे ऑडियो पर आएंगे पर यहाँ पर आप आ जाएंगे रिकॉर्ड ऑडियो पर और उसके बाद यहाँ पर आप इसको ओके okay कर सकते हैं जिस यहाँ पर रिकॉर्डिंग का नेम वगैरह वो भी दे सकते हैं या उसको रिकॉर्डिंग की लेंथ आपने कितनी करनी है वो तो तमाम चीजें यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं इसके बाद एक और जो तरीका है जो इस वक्त ज्यादातर यूज किया जा रहा है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट वराइटीज जो हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए आपने जाना है स्लाइड शो पे स्लाइड शो में जाने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है स्लाइड सॉरी रिकॉर्ड स्लाइड शो इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड एंड सेकंड रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग अगर आप अपना लेक्चर अभी स्टार्ट करना करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग तो आप इसको बिगनिंग से करेंगे अगर आप इसको कुछ पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं दोबारा आपने इसको कुछ मॉडिफाई करना है तो फिर उसके लिए आप करंट स्लाइड पे आएंगे अब ये देखें मैंने करंट स्लाइड पे किया पे इसने ऑप्शन मांग लिया कि आप इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं इसको करता हूँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग अब ये देखें हमारे पास ये ऊपर एक इसका आइकन जो है वो स्टार्ट हो चुका है इस आइकन के अंदर आपको ये मुख्तलिफन नजर आ रहे हैं जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे इस पर जो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो उसके नतीजे में जो आप, आपकी रिकॉर्डिंग है वो खत्म हो जाएगी जहाँ पे आप उसको रिकॉर्ड कर चुके होंगे वहीं पे आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप डाउन हो जाएगी सेकंड नंबर पे अब ये देखिए हमारे पास ये टोटल टाइम आ रहा है जितनी आप रिकॉर्डिंग करेंगे यानी इस वक्त हम स्लाइड नंबर वन पे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे स्लाइड नंबर वन के मुताबिक यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग दोनों साइडों करंट स्लाइड की रिकॉर्डिंग है दोनों साइडों पे इक्वल चल रही है।, अभी इस को किया है और ये हमारी स्लाइड है कोई प्रॉब्लम आ जाता है रिकॉर्डिंग के अंदर तो आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं यानी फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें अगर इस स्लाइड को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं तो उसके लिए आपने यहां पे करना है रिपीट अब ये जो रिपीट किया वो कहेगा कि अब आप इसको दोबारा रिज्यूम कब करना चाहते हैं अब यहां पे हम इसको करेंगे। देखें थी। अब चुकी है करंट करंट स्लाइड भी और टोटल रिकॉर्डिंग भी ओके जी उसको बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे आपके पास ये मौजूद है जिसके अंदर आप इसको पास कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं बोलते बोलते कोई दरमियान में कोई डिस्टर्बेंस आ गई है कोई गले में खराश हो गई है या कोई कॉल आ गई है आप उसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं इस पर आप क्लिक करके उस रिकॉर्डिंग को वहाँ पे पास भी कर सकते हैं और इसी को दोबारा इनिशिएट करके फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये हमने कर दी पास अब ये देखें थर्टी वन सेकेंड्स पर यह पास हुई अब ये दोबारा जब हम इसको रिज्यूम करेंगे ये थर्टी वन सेकेंड से आगे दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद एक ही ऑप्शन आती है नेक्स्ट स्लाइड के लिए इसकी मदद से आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं ये तो हो गई थी जर्नल इसकी रिकॉर्डिंग की, की बातें अब यहाँ पे एक और बात ये आती है यहाँ पे आप इसमें कुछ ऑप्शन में जा सकते हैं जिस तरह आप ये देखते हैं हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया राइट क्लिक करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे इनकी ऑप्शन पे जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये पॉइंटर ऑप्शन है पॉइंटर ऑप्शन के ऊपर आ पाएंगे यहाँ पे हमारे पास टोटल तीन डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं एक लेजर पॉइंटर लेजर पॉइंटर आप इसमें यूज कर सकते हैं जिस तरह भी आप देखेंगे ये देखिए हम इस लेजर पॉइंटर को यहाँ पे शो कर सकते हैं इस लेजर पॉइंटर की मदद से हम ये दिखा सकते हैं कि इस वक्त हम किस लाइन पे हैं और इस वक्त हम क्या पढ़ा रहे हैं ओके जी इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन इसमें आती है एक और ऑप्शन के मुताबिक हम इसको कर सकते हैं जी पेन का यूज फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्लाइड पे किसी जगह पे कोई चीज बच्चों को समझाना चाह रहे हैं उसके लिए आप पेन की मदद से यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को जो आप बनाना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे ड्रा भी कर सकते हैं आप यहाँ पे कुछ अगर राइट करना चाहें तो आप उसको राइट भी कर सकते हैं ओके जी ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं उसके बाद अब यहाँ पे इसकी मदद से भी रिकॉर्डिंग जो है इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं उसका अगर एंड वाली स्लाइड देखना चाहें तो एंड वाली स्लाइड भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ इसके अंदर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं अब देखें यहाँ से हमने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना है तो हम एरो हेड की मदद से भी आगे जा सकते हैं आपका जो अपना राइट एरो है

रिकॉर्डिंग करते हैं उस तमाम रिकॉर्डिंग के अंदर हम हाँ अपना जो टाइम पीरियड है उसको भी चेक कर सकते हैं इस वक्त कितना टाइम हो चुका है टोटल रिकॉर्डिंग करते हुए और करंट स्लाइड पर हम हाँ इस वक्त लगा चुके हैं और इस पेन की मदद से या इस पॉइंटर की मदद से आप आसानी स्टूडेंट्स को समझा भी सकते हैं और आपकी ये जितनी आप इस तरह रिकॉर्डिंग करेंगे यह तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी इस वीडियो के अंदर सेव हो जाएगी अब देखेंगे जिसको हम इसको स्टॉप करने लगे हैं ये देखेंगे हमने स्टॉप कर दिया स्टॉप करने के बाद आप ये देखें जो हमने वहां पे, पे अभी मौजूद हैं इनको अगर आप डिलीट करना यहाँ पे करके आप इनको डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग मौजूद है जिस तरह आप देखिएगा जरा इसको हम सुनते हैं थोड़ा सा देखें ये देखें जी आपने जो रिज्यूम कर सकते हैं है। कुछ नेक्स्ट स्लाइड पे देखें यहाँ पे हमारी थर्ड स्लाइड तक हम पहुंचे थर्ड स्लाइड तक हमारी जो जो हमने पे की थी, वो पे हमारे पास हमें आ रही है। लेकिन पे हम नहीं गए तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा दोबारा देख लें आपने स्लाइड शो पे जाना है स्लाइड शो में जाने के बाद स्लाइड रिकॉर्ड स्लाइड शो और बिगनिंग या पे आप क्लिक करके उसको रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है जी ये था जी आज का हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल इनशाला मिलेंगे नेक्स्ट हम इसकी कन्वर्जन के साथ किसको इसी लेक्चर को हमने कन्वर्ट कैसे करना है वीडियो फॉर्म के अंदर ओके जी टिल